ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सदगुरु साईनाथ महाराज, आपकी जय हो बाबा। हे साईं, हे गुरुदेव, आज श्री साई सचरित्र का अध्याय 51 का अध्ययन करने जा रहा हूँ, जो कि संपूर्णता की ओर है, जो उपसंहार है। हे गुरुदेव, आपने हर अध्याय में अपना आशीर्वाद देकर फलीभूत किया, सभी भक्तों को लाभ पहुँचाया। मैं सभी भक्तों की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए अध्याय 51 आरंभ करते हैं। उपसंहार, मूल सचरित्र का अध्याय 51 पूर्ण हो चुका है और अब अंतिम अध्याय मूल ग्रंथ का 52वां अध्याय लिखा जा रहा है। इसमें हेमाडपंत ने अंतिम समालोचना की है और उसी प्रकार सूची लिखने का वचन दिया है जिस प्रकार की अन्य मराठी धार्मिक काव्य ग्रंथों में विषय की सूची अंत में लिखी जाती है। अभाग्यवश हेमाडपंत के कागज पत्रों की छानबीन करने पर भी वह सूची प्राप्त ना हो सकी। तब बाबा के एक योग्य तथा धार्मिक भक्त ठाणे के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री बीवी देव ने उसे रचकर प्रस्तुत किया। पुस्तक के प्रारंभ में ही विषय सूची देने तथा प्रत्येक अध्याय में विषय का संकेत शीर्षक स्वरूप लिखना ही आधुनिक प्रथा है, इसीलिए यहाँ अनुक्रमणिका नहीं दी जा रही है। अतः इस अध्याय को उपसंहार समझना ही उपयुक्त होगा। अभाग्यवश हेमाडपंत उस समय तक जीवित ना रहे कि वे अपने लिखे हुए इस अध्याय की प्रति में संशोधन करके उसे छपने योग्य बनाते। सदगुरु श्री साईं की महानता। हे साईं, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण की याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार हैं। यदि ऐसी ही धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें तो यह निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होंगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झंझावत से धैर्य रूपी वृक्ष की जड़ें उखड़ गई हैं। अहंकार रूपी वायु की प्रबलता से हृदय रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिससे क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते हैं और अहंभाव एवं संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों के भंवरों में निंदा घृणा और ईर्ष्या रूपी अगणित मछलियां विहार कर रही हैं। यद्यपि यह समुद्र इतना भयानक है, तो भी हमारे सद्गुरु साईं महाराज उसमें अगस्त्य स्वरूप ही हैं। इसलिए भक्तों को किंचित मान भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सद्गुरु तो जहाज हैं और वे हमें कुशलता पूर्वक इस भयानक भवसागर से पार उतार देंगे। प्रार्थना। श्री सच्चिदानंद साईं महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साई, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हम में किसी अन्य वस्तु की लालसा ना रहे। तुम्हारा यह चरित्र घर घर पहुँचे और इसका नित्य पठन पाठन हो, और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करें उनके समस्त संकट दूर हो। भक्तों, इस प्रार्थना में मेरी भी प्रार्थना सम्मिलित है। आज आप लोगों के पास जो आवाज़ के माध्यम से ये चरित्र पहुंच रहा है, मैं अपने अंतःकरण से बाबा को धन्यवाद करता हूं। आप सभी भक्तों का भी धन्यवाद करता हूं। आइए अगला है फलश्रुति अध्ययन का पुरस्कार। अब इस पुस्तक के अध्ययन से प्राप्त होने वाले फल के संबंध में
कुछ शब्द लिखूंगा। इस ग्रंथ के पठन पाठन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथ का पठन पाठन या श्रवण प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी त्रिविध संकट भी दूर हो जाएंगे। समय समय पर श्री साईं बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हें आध्यात्मिक जगत के प्रति अभिरुचि हो जाएगी और यदि तुम इस प्रकार नियम तथा प्रेम पूर्वक अभ्यास करते रहे तो तुम्हारे समस्त पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे। यदि सचमुच ही तुम आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें साईं कथाओं का नित्य पठन पाठन स्मरण और उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखनी चाहिए। साईं कथा रूपी समुद्र का मंथन कर उसमें से प्राप्त रत्नों को दूसरों को वितरण करो जिससे तुम्हें नित्य नूतन आनंद का अनुभव होगा और श्रोतागण अधपतन से बच जाएंगे। यदि भक्तगण अनन्य भाव से उनकी शरण में आए तो उनका मैं नष्ट होकर बाबा से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि नदी समुद्र में मिल जाती है, यदि तुम तीन अवस्थाओं अर्थात जागृति स्वप्न और निद्रा में से किसी एक में भी साईं चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारा सांसारिक चक्र से छुटकारा हो जाएगा। स्नान कर प्रेम और श्रद्धा युक्त होकर जो इस ग्रंथ का एक सप्ताह में पठन समाप्त करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे या जो इसका नित्य पठन या श्रवण करेंगे उन्हें सब भयों से मुक्त तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। इसके अध्ययन से हरेक को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यदि तुम इस ग्रंथ का आदर पूर्वक पठन करोगे तो श्री साईं प्रसन्न होकर तुम्हें अज्ञान और दरिद्रता के पाश से मुक्त कर ज्ञान धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि एकाग्रचित होकर नित्य एक अध्याय ही पढ़ोगे तो तुम्हें अपरिमित सुख की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ को अपने घर पर गुरु पूर्णिमा, गोकुलाष्टमी, रामनवमी, विजयदशमी और दीपावली के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि ध्यानपूर्वक तुम केवल इसी ग्रंथ का अध्ययन करते रहोगे तो तुम्हें सुख और संतोष प्राप्त होगा और सदैव श्री साई चरणाविंदो का स्मरण बना रहेगा और इस प्रकार तुम भवसागर के सहज ही पार हो जाओगे। इसके अध्ययन से रोगियों को स्वास्थ्य, निर्धनों को धन, दुखित और पीड़ितों को शांति मिलेगी तथा मन के समस्त विकार दूर हो मानसिक शांति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय भक्त और श्रोतागण, आपको प्रणाम करते हुए मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि जिसकी कथा आपने इतने दिनों और महीनों से सुनी है उनके कलिमलहारी और मनोहर चरणों को कभी विस्मृत ना होने दें। जिस उत्साह, श्रद्धा और लगन के साथ आप इन कथाओं का पठन या श्रवण करेंगे श्री साईं बाबा वैसे ही सेवा करने की बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। लेखक और पाठक इस कार्य में परस्पर सहयोग देकर सुखी होएं। प्रसाद याचना। अंत में हम इस पुस्तक को समाप्त करते हुए सर्वशक्तिमान परमात्मा से निम्नलिखित कृपा या प्रसाद याचना करते हैं। हे ईश्वर, पाठकों और भक्तों को श्री साईं चरणों में पूर्ण और अनन्य भक्ति दो। श्री साईं का मनोहर स्वरूप ही उनकी आँखों में सदा बसा रहे और वे समस्त प्राणियों में देवाधिदेव साईं भगवान का ही दर्शन करें। एवमस्तु। श्री सद्गुरु साईनाथ परणमस्तु। शुभम भवतु सप्ताह परायण सप्तम विश्राम। ओम श्री साई यशकाय शिरडीवासिने नमः। अध्याय समाप्त हुआ। प्रिय भक्तों, जैसा कि आपने सुना और आप पढ़ते आ रहे हैं, इसका
शुभ फल जरूर मिलता है। जो भी इस साई सचरित्र का अध्ययन करते हुए एकाग्रचित होकर उसका अध्ययन करेगा, मनन करेगा, उसे बहुत ही सुंदर फल मिलेगा। जैसा कि इस महान ग्रंथ में लिखा है कि एक सप्ताह में पूरा करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। प्रिय भाइयों बहनों, साईं भक्तों, मैं प्रदीप आहूजा आपके सम्मुख हूँ और एक विशेष बात आपसे बोल रहा हूँ कि इस पठन में अगर मेरे द्वारा कोई भी श्रुति, कोई त्रुटि हुई हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। किसी भी तरह की गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। आप सभी पर साईं कृपा और आशीर्वाद बना रहे। आइए अब हम आरती करेंगे। श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साईं बाबा सौख्यदाता जीवा, चरण रजतली ध्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जालुनिया अनंग, स्वस्वरूपी रहे दंग, मुमोक्ष जना दावी निज डोला श्रीरंग, डोला श्रीरंग। आरती साईं बाबा जया मणि जैसा भाव, तया तैसा अनुभव, दाविसी दया धना ऐसी तुझी माव, तुझी माव। आरती साईं बाबा तुम चे नाम ध्याता, हरे संस्रुति व्यथा अगाध तब करणी, मार्ग दाविसियनाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतारा, सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झालासे, स्वामी दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर। आरती साईं बाबा आठा दिवसा गुरुवारी, भक्त करी तिवारी, प्रभु पद पावया भव भयानिवारी, भयानिवारी। आरती साईं बाबा माजा निज द्रव्य ठेवा, तव चरण रज सेवा, मांगणे चियाता तुम्हा देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साईं बाबा इच्छित दिन चातक, निर्मल तोये निज सुख, पांजावे माधवाया संभला पूली भाका, आपूली भाका। आरती साईं बाबा सौख्यदाता जीवा, चरण रजतली ध्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा। श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय साईं भक्तों, आइए भावार्थ पढ़ते हैं। हे जीवों को सुख देने वाले साईं बाबा, हम तुम्हारी आरती करते हैं। अपने दास और भक्तों को अपने चरणों की शीतल छाया में स्थान दो। प्रदीप्त भाव से तुम सदा आत्मलीन रहते हो और मुमुक्ष जनों को ईश्वर की प्राप्ति करा देते हो। जैसा जिसका भाव होता है उसे तुम वैसा ही अनुभव देते हो। हे दयालु, तुम्हारा कुछ ऐसा ही वैशिष्ट्य है। तुम्हारे श्री चरणों का ध्यान मात्र करने से भक्त इस संसार के भय से मुक्त हो जाता है। तुम सदैव दीन और अनाथों की रक्षा करते रहे हो।
तुम्हारी कार्यशैली अपरंपार है। हे दत्त, इस कलयुग में तुम सगुण ब्रह्म के रूप में अवतरीण हुए हो, इसलिए जो भक्त नित्य गुरुवार को तुम्हारे पास आवे, उन्हें सांसारिक भय से मुक्त करके भगवत दर्शन योग्य बनाओ। हे देवाधिदेव, तुम्हारे चरण कमल ही मेरी संपत्ति है। जिस प्रकार मेघ स्वाति नक्षत्र की बूंद से चातक पक्षी की प्यास बुझा देता है, उसी प्रकार माधव यहाँ अपना नाम लगाए कि भी प्यास बुझाकर अपने वचनों का पालन करो। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री साईं यशकाय शिरडी वासिने नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी भक्तों को मेरा हाथ जोड़ के ओम साई राम। आप सभी इन अध्यायों का अध्ययन करें, पढ़ें और अपने चित्त में उतारें। शुभकामनाओं के साथ सभी भक्तों को ओम साई राम।